जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है, हर बार विष्णु भगवान ही क्यों अवतार लेते हैं और अपनी सिद्धि या आशीर्वाद वो किसी को प्रदान क्यों नहीं करते हैं। आज का ये विषय अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। देखिए, सतयुग से लेके कलयुग तक जितनी बार भी भगवानों ने अवतार लिया इस धरा पर, 10-11 बार, हर बार केवल और केवल विष्णु भगवान ने ही अवतार लिया है विभिन्न रूपों में। जबकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तीन शक्तियां प्रमुख है, ब्रह्मा जी जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, शंकर भगवान जो कि भोले हैं, श्रृंगार करता है, शमशान के वासी हैं, अत्यंत दयालु हैं, और विष्णु भगवान जो कि प्रजा के पालक के रूप में प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण सृष्टि का पालन विष्णु भगवान के हाथ में है। सतयुग से लेकर अब तक जितनी बार भी हमारे भगवानों ने अवतार लिया इस धरती पर, धरा पर, प्रत्येक बार केवल और केवल विष्णु भगवान ने ही अवतार लिया है। ब्रह्मा जी ने आज तक एक बार भी अवतार नहीं लिया। शंकर भगवान ने आज तक एक बार भी अवतार नहीं लिया। कुछ विशेष परिस्थितियों में केवल और केवल अपना अंश भेजकर कुछ अवतार दिलवाए, जैसे हनुमान जी। हालांकि हनुमान जी में शंकर भगवान का भी अंश है और समस्त इष्ट देवों का, समस्त शक्तियों का अंश व आशीर्वाद है उन्हें। परंतु कभी भी इस धरती पर ब्रह्मा जी ने या शंकर भगवान ने अवतार नहीं लिया है। अवतार केवल और केवल विष्णु भगवान ने ही लिया है और कलयुग के अंत में जो कल की अवतार होगा वो भी भगवान श्री विष्णु का ही अवतार होगा। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? और सतयुग से लेके द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, जितनी भी तपस्याएं की गई हैं, जितनी भी साधनाएं की गई हैं विभिन्न महापुरुषों के द्वारा, विभिन्न संतों के द्वारा, विभिन्न साधकों के द्वारा, विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा, वो केवल और केवल ब्रह्मा जी की और शंकर भगवान की ही साधनाएं की गई हैं और उनसे मन चाह आशीर्वाद प्राप्त किया है। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और इस कलयुग में भी, इस कलयुग में भी जितने भी साधक हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने विष्णु भगवान से आज तक कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है, ना सिद्धि पाई है किसी ने। केवल और केवल अगर विष्णु भगवान का पाया है तो केवल कृपा दृष्टि जरूर मिल सकती है, उनका आशीर्वाद या सिद्धि विष्णु भगवान या विष्णु भगवान के किसी भी रूप का किसी भी प्राणी को मिलना संभव नहीं है। ना तो सिद्धि देते हैं वो अपनी किसी को, ना अपना आशीर्वाद देते हैं। अगर आप उनकी साधना पूजा भक्ति करते हैं तो केवल और केवल आपको अपनी कृपा दृष्टि जरूर प्रदान करते हैं, जिससे कि आपका जीवन सुगम हो जाए या आपके कष्टों का निवारण स्वयं ही हो जाए। लेकिन आपके हाथ में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी सिद्धि,
या कोई ऐसा आशीर्वाद प्रदान नहीं करते हैं जिससे कि आप अपना या किसी भी समाज का या किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य कर सकें। आज तक सतयुग से लेके कलयुग तक जितने भी चमत्कार किए हैं ऋषि मुनियों ने, साधकों ने, वो केवल और केवल शंकर भगवान और ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे ही आशीर्वाद पाया है मनचाहा, और उसी से ही विभिन्न कार्य संपन्न किए हैं, और उन्हीं शक्तियों से अपने चमत्कार आप लोगों को दिखाएं और आज भी दिखाते हैं। देखिए, तीनों शक्तियां बराबर की हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, ना ब्रह्मा जी कम है, ना शंकर भगवान कम है, ना विष्णु भगवान कम है, परंतु अवतार आज तक केवल और केवल विष्णु भगवान ने ही लिए हैं, और वो ही लेंगे इस कलयुग के अंत में भी और आगे सतयुग में भी। ब्रह्मा जी या शंकर भगवान ने आज तक कोई अवतार नहीं लिया है, ना लेंगे। हाँ, अपना मन चाहा आपको आशीर्वाद पाना है, कोई शक्ति पानी है, सिद्धि पानी है, तो इसको देने में सबसे पहला नंबर आता है शंकर भगवान का, जो कि सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और मन चाहा सिद्धि या आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ब्रह्मा जी का, और आप इतिहास उठाकर देख लें, आज तक जितने भी ऋषि मुनियों संतों ने या साधकों ने जितनी भी तपस्याएं की हैं, पूजा साधनाएं की हैं, वो केवल और केवल ब्रह्मा जी की और शंकर भगवान की ही की हैं, और इन्हीं से विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद और सिद्धियां और चमत्कार पाए हैं। और इस कलयुग में तो ब्रह्मा जी का पूजा साधना बंद है, श्रापित है। कलयुग में तो केवल अगर आपको कुछ पाना है तो शंकर भगवान से ही पा सकते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा इस कलयुग में सफल नहीं होती है। केवल कुछ गिने साधक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पाया है, और अगर उनका पुनर्जन्म हुआ है, तो केवल और केवल वही गिने चुने दो चार साधक ब्रह्मा जी को इस कलयुग में पूजा कर सकते हैं या उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति उनकी पूजा नहीं कर सकता है, ना उनका आशीर्वाद पा सकता है। इसकी जो प्रमुख वजह है, जो हमने काफी अध्ययन किया वेदों का, पुराणों का, आध्यात्मिक किताबों का, तो उसमें पाया कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में जो संतुलन बनाने का कार्य है, वो कार्य श्री विष्णु भगवान के हाथ में, और सबसे अधिक इन तीनों देवों में अगर कोई दूरदर्शी है जो आगे तक की सोच लेता है, देख लेता है, वो केवल और केवल विष्णु भगवान ही है। इसलिए और बुद्धिमता में भी इन तीनों देवों में विष्णु भगवान ही सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस तीन वजहों की वजह से संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर मैं कोई अपना आशीर्वाद या सिद्धि दूंगा तो उसके कितने दुरुपयोग होंगे, इसलिए सतयुग से लेके आज तक कभी भी विष्णु भगवान ने किसी भी साधक को अपना आशीर्वाद या सिद्धि प्रदान नहीं किए, और केवल वो प्रदान करते हैं तो अपनी कृपा प्रदान करते हैं, कृपा दृष्टि वो आज भी देते हैं, और उनकी कृपा दृष्टि ही पर्याप्त होती है आपका जीवन धन और सफल करने के लिए। लेकिन अपना संपूर्ण आशीर्वाद या सिद्धि प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है
कि जितने भी आज तक साधक हुए सतयुग से लेके इस कलयुग तक, जिन्होंने भी आशीर्वाद प्राप्त किया है, सिद्धियां प्राप्त की है, उन्होंने अपने जीवन काल में उनका दुरुपयोग अवश्य किया है। और अगर मैं भी दूंगा आशीर्वाद तो मेरी शक्तियों का भी ये दुरुपयोग करेंगे, जिससे कि शक्ति संतुलन व सृष्टि के संतुलन में दिक्कतें आएंगी। इस संतुलन को कायम करने के लिए, रखने के लिए वो आज तक किसी को अपना आशीर्वाद या सिद्धि प्रदान नहीं करते हैं, जबकि इस कलयुग में कोई भी पूजा साधना, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान विष्णु भगवान की पूजा के बगैर संपन्न नहीं होता है। सबसे अधिक पूजा आज भी इस कलयुग में विष्णु भगवान की होती है। कोई भी पूजा साधना, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान छोटे से बड़े तक विष्णु भगवान की पूजा के बगैर संपन्न हो ही नहीं सकता है। उसके बाद भी वो अपनी सिद्धि या आशीर्वाद किसी भी साधक को प्रदान नहीं करते हैं, यही एक प्रमुख वजह है। सिद्धि और अपना आशीर्वाद देने में सबसे अव्वल शंकर भगवान है, तभी उनको भोले देव कहा जाता है। वो आगे पीछे नहीं देखते हैं कि मेरा साधक मुझसे क्या मांग रहा है। अगर वो प्रसन्न हो गए तो वो तुरंत तथास्तु कर देते हैं। आज भी इस कलयुग में आशा है आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।